हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, इट्स योर बॉय शादाब खान। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज अपन बात करेंगे अपने RS की मॉडिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जो वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी ना, वो रीच भी नहीं हुई उतनी। और उसके बाद में अपनी गाड़ी अपने जो वीडियो में ऑडियो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था। वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे भाई के आईफोन में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, तो वीडियो तो पूरी रिकॉर्ड हुई, बट ऑडियो कुछ इस तरीके से चालू होती थी कि स्टार्टिंग में कम और एंडिंग में, मतलब धीरे धीरे करके ऑडियो का ऑडियो की वॉल्यूम थोड़ी ऊपर हो जाती थी, और स्टार्टिंग में एकदम ज़ीरो वॉल्यूम से चालू होता था। तो बस यही दिक्कत हो गई थी, इसी के लिए अपन ने अपनी नई वीडियो बना रहा हूँ मॉडिफिकेशन के ऊपर। और अभी क्या अपन ने और हाँ, आपको ये बात बतानी थी कि अभी ये वीडियो भी अपनी गाड़ी के ऊपर होगी और नेक्स्ट वीडियो भी, क्योंकि अपन ने ठीक करा लिया लीवर गार्ड, ब्रेक का काम करा लिया बराबर, फिर उसके बाद अपना रेयर ब्रेक का भी काम हो गया, तो सब कुछ बराबर है अभी फ़िलहाल। और बची बात ये कि मॉडिफिकेशन, सबसे चीप एंड बेस्ट मॉडिफिकेशन बताता हूँ आप सभी को। प्राइस का एक समझो एक ब्रैकेट दे दूँगा, एग्जैक्ट प्राइस तो आज का मेरे को भी नहीं मालूम है, और एग्जैक्ट प्राइस तो आपको भी जाके मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़ोन पे सेल है तो कुछ प्राइस रहेगा ऊपर नीचे, या तो फिर वो स्टॉक में नहीं होगा वो सामान। खैर फ़िलहाल अभी आगे की बात करते हैं। तो ये सीन ये है, सबसे बड़ा जो मॉडिफिकेशन था मेरी गाड़ी में वो था इसका वाइज़र, क्योंकि वाइज़र ये, इसको मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आगे से कुछ इस तरीके का दिखता है ये वाइज़र फेस पे, मतलब आगे से फेयरिंग पे कुछ अच्छा दिखता है, और ब्लैक कलर का है, मेरी गाड़ी भी ब्लैक कलर की है। और इसमें तीन कलर आते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट आता है विजिबिलिटी के लिए, दूसरा थोड़ा सा टिंटेड आता है, बट मेरे को ना वो मिला क्लियर वाइज़र, ना तो टिंटेड मिला, मेरे को मिला फुल ब्लैक। तो मैंने बेझिझक ले लिया, क्योंकि वो मेरी गाड़ी पे सूट हो रहा था, और ऐसा है इसको चलाते चलाते मेरे को आदत हो गई है, तो मैं ज़्यादा टकिन नहीं करता हूँ, बट फिर भी इससे विंड ब्लास्ट थोड़ा बहुत बच जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ थी और मैंने लगा ली। अगर आपको किसी राइडर को स्मोक करना है ना 200cc में, और अगर उसके पास NS वगैरह कुछ है तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सभी को। अब बढ़ते हैं अगले मॉडिफिकेशन के ऊपर। और हाँ, प्राइस होगा इसका, जब मैंने लिया था तब मुझे पड़ा था 400 रुपीज़ का। हाँ, कुरला वाली मार्केट वाली वीडियो है ना, उसमें उससे पहले ले लिया था मैंने, एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग शुरू करने से पहले ही ये ले लिया था। और हाँ, अगली वीडियो में अपन इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जो कुछ भी हो पाया अपने से, क्योंकि 1 अक्टूबर को अपन ने अपनी गाड़ी लेके आए थे घर पे शैडो को, तो 1 अक्टूबर आने वाली है बस। आज 29th है, 29th ऑफ सितंबर। तो मिलते हैं इसके बर्थडे वाले व्लॉग में, अगले व्लॉग में, तो जो कि इसके लिए कुछ करेंगे अपन, इसके नामकरण कराएंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत इसको गिफ्ट देंगे जो भी हो सकता है अपने से छोटा मोटा। सोचा बड़ा था लेकिन खर्चा हो गया बीच में, इस करके नहीं कर पाया, तो जो होगा वो देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो वो था इसका विंगलेट, अब जो कि नहीं बचा है मेरे पास, टूट चुका है, तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि विंगलेट लगने के बाद और विदाउट विंगलेट गाड़ी कैसी दिखती है। वैसे तो अच्छी नहीं दिख रही है मेरे को भी, और जो विंगलेट RS के लिए आता है ना, सिर्फ वही विंगलेट लेना, क्योंकि बाकी के विंगलेट कुछ काम के नहीं है। वर्जन 3 का वो लोग दे देंगे आपको, आप ले भी लोगे लगा भी लोगे तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, वो कैसा एकदम चिपक जाता है ना, और उसमें 3-3 गैप है अपना वर्जन 3 वाले में। लेकिन RS का कैसा थोड़ा खुला हुआ जैसा रहता है, तो वो लेके लगा सकते हैं आप। उसका प्राइस होगा एक 250 करीब। और उसके आगे अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो वो है अपने एंजल लाइट्स, जिसको रिंग लाइट भी बोलते हैं, रेड कलर की। देखिए आप, ये कुछ इस तरह की दिखती है। तो ये एंजल लाइट्स तो मैंने फ़िलहाल अपने हाथ से खुद ही घर पे लगा लिया था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो ऊपर DRLs देख रहे हैं ना आप, ये DRLs का ही कनेक्शन नीचे तलक लेके, जो पीछे DRL का क्लिप्स है कपलर, वो कपलर में ही हम लोग ने मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगा के लगा दिया था। तो ये सीन था अपना फ्रंट का। अब रेयर में तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अभी करना है। मैं सोच रहा था कि इसमें मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश हो जाएगी। लेकिन ये मेरा कॉलेज है SIWS, इधर अपन पढ़े कभी, हो गया टाइम इधर पे ही पढ़ के। इधर था तभी सोचता था कब गाड़ी मिलेगी, अब गाड़ी है लेकिन कॉलेज नहीं जाता हूँ। हाँ, तो ये तीन चीज़ हो गई, वाइजर, विंगलेट, रिंग लाइट। अब आ जाते हैं थोड़ा क्लच लीवर और ब्रेक्स की तरफ, ब्रेक लीवर की तरफ। मैंने सोचा था CNC वाला ले लूँ, बट CNC वाला मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत मोटा और बल्कि लग रहा था। और वो मेरे फ्रेंड ने वर्जन 2 में, R15 वर्जन 2 में लगाया था। तो उसका क्या हुआ, अगर गाड़ी हल्की सी भी किधर टच हो जाती है ना तो वो उसका टूट जाता हो। तो उतने मजबूत नहीं थे और मुझे थोड़े मजबूत चाहिए थे, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं राइड वाइड पे जाते रहते हैं और राइड पे वो टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना दोस्त। तो ये सीन था। तो अपन ने लिए एक शॉर्टेड हिसाब किताब निकाले, क्योंकि अपने KTM में अंगद भाई है, तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया कि तुम ये वाले लगा लो KTM के, ये 390 में आते हैं KTM की एडजस्टेबल लीवर। तो अपन ने सोचा हाँ, एक तो कंपनी के OEM पार्ट्स है, तो CNC वाले आफ्टर मार्केट से तो अच्छा ही क्वालिटी होगा इनका। तो ये ले लिया अपन ने। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपनी एडिटिंग का नया नमूना दिखाया था। पूरी वीडियो देखना तभी समझेगा, क्योंकि जो कट्स लिए मैंने, थोड़ा अपने आप को भी लेवल अप कर लेना चाहिए इंसान को, तो वही मैंने किया है उस वीडियो में। जाके ज़रूर देखना आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में, और मेरे को मज़ा आएगा आप लोग के लिए ऐसा सब कंटेंट बनाने में। और हाँ, एकदम से जो मेरे सब्सक्राइबर में उछाल आया ना, 58 थे कल 28 सितंबर तक, और आज आप देख रहे होंगे तो 400 करीब हो चुके होंगे, करीब 400। तो उसके लिए अपन ने, अपना एक दोस्त है जो अभी मतलब अचानक से मिल गया, उसकी स्टोरी जब वो उसको ब्लॉग में लेके आऊँगा ना नेक्स्ट वाले, इसके बर्थडे के ब्लॉग में, तभी आप लोग को दिखाता हूँ। अरे यार, अच्छा साफ सफाई चल रही थी इधर। चलो ये जगह सही है, हाँ इधर लगा देता हूँ। जो अपने ब्रेक पैड्स चले गए थे वो ब्रेक पैड्स भी अभी ठीक है। पीछे का भी ब्रेक ठीक हो गया, अच्छा पंप हो रहा है अभी, निकल नहीं रहा है पीछे से। बराबर है अभी तो। और हाँ, बट यहाँ से ना एक चीज़ है जो टूट गई है, इधर से, इधर पीछे साइड में ना एक चीज़ रहती है, वो टूट गई है, बस उसको करा लेंगे तो ओके हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप सभी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली इसके ब्लॉग वाली वीडियो में, चलिए बाय बाय।